तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ की बात हो रही है और यहाँ स्टेज पीछे सजा हुआ है और यहाँ हम पब्लिक के बीच में हैं। नेता तो अपनी बात करेंगे और लौट जाएंगे, लेकिन पब्लिक यहाँ क्या कह रही है हम उनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से आए हैं आप? हम मायर टाउन विधानसभा। जी, मायर टाउन विधानसभा। अच्छा, आपके यहाँ से MLA कौन है? जी, अखिलेशपति त्रिपाठी। अच्छा, विधायक ना? किस पार्टी से है वो? आम आदमी पार्टी से। अच्छा, तो आप उनके फेवर में आए हैं यहाँ? हाँ जी। यह ताना शाह खत्म करने हैं। तानाशाही खत्म करने हैं। तो कैसे खत्म होगी तानाशाही? तानाशाही हम सब यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं जिस तरीके से, और मतलब हमने प्रदर्शन करा है इस तरीके से, हम चाहते हैं कि मतलब उनकी तानाशाही खत्म। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता है। अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है जानती हैं? पढ़ रहे हैं आप? कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। हाँ, तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र सबके लिए जरूरी होता है। जी? लोकतंत्र सबके लिए जरूरी होता है। लोकतंत्र जरूरी होता है। तो आपने पढ़ा है लोकतंत्र के बारे में कुछ? नहीं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है? ठीक है, ये लोकतंत्र की बात लोग कर रहे हैं लेकिन लोकतंत्र के बारे में अभी लोगों को पता भी नहीं है कि लोकतंत्र बेसिकली क्या है, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा। आप कहाँ से तशरीफ लाए? सीलमपुर विधानसभा। क्या नाम है आपका? शिवाना। अच्छा, सीलमपुर से कौन है MLA? हाजी इशराक खान। अच्छा, इशराक खान साहब किस पार्टी से? आप पार्टी से हैं हम लोग, हाजी इशराक भी और हम भी। वो कुछ काम कर रहे हैं क्या? हाजी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी दो दिन पहले 2 फ्लाईओवर चालू किए हैं शास्त्री पार्क रेड लाइट पर। और जी, दो पायलट स्कूल बन चुके हैं हमारे यहाँ। क्या बने हैं? पायलट स्कूल। अच्छा, तो पायलट स्कूल बन चुके हैं। अच्छा, तो हमें लगता है कि आप जो है वो इशराक खान साहब के कहने से आए हैं यहाँ, है ना? लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं? नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए भी आए हैं और हाजी जी के कहने पर भी आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम? ज्योति। ज्योति, ज्योति। आप कहाँ से? सीलमपुर विधानसभा से। सीलमपुर से। आपके यहाँ कौन है MLA? हाजी इशराक खान जी। कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने शिक्षा के लिए, और अभी फ्लाई ओवर भी बना हमारा उनका। वो किस पार्टी से है? आप पार्टी से। आप पार्टी से, ठीक है। आप पार्टी के फेवर में हैं आप या लोकतंत्र के फेवर में? जी, हम लोकतंत्र के में। लोकतंत्र के फेवर में। अच्छा, लोकतंत्र की आवाज कोई और उठाएगा तो आप उसके साथ जाएंगी? अरविंद केजरीवाल जी को छोड़? नहीं, हम बिल्कुल जाएंगे। लोकतंत्र प्यारा है ना? लोकतंत्र प्यारा है। लोकतंत्र प्यारा है। अच्छा, आपको जो है वो अरविंद केजरीवाल जी प्यारे नहीं, लोकतंत्र प्यारे? नहीं, वो भी प्यारे हैं। वो भी प्यारे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? जी जी जी। लोकतंत्र आएगा तो सबके हक और हुकूक की जो है हिफाजत होगी, ठीक है। ये डिफरेंट व्यूज हमारे दर्शकों के सामने आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ जाहिर है कि अलग अलग लोगों के व्यूज हैं। अधिकतर मानना लोगों का ये है कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। देखना ये होगा कि ये लोकतंत्र को कैसे बचा पाएंगे। मुझे लगता है कि ये ग्रुप अलग से है और ये कहाँ से आया है हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज पंडित। क्या नाम है? मनोज पंडित, प्रभारी प्रतिनिधि गोंडा उत्तर पूर्वी लोकसभा। उत्तर पूर्वी लोकसभा से हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा, आप यहाँ किसके फेवर में आए हैं? पार्टी के फेवर में आए हैं या लोकतंत्र के फेवर? सर, लोकतंत्र के फेवर में आए हैं। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो चल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता, जो देश के नेता हैं, आज जो मोदी की तानाशाही के खिलाफ एक माहौल है और उसके लिए आवाज़ बनने आए हैं हम लोग। तो पंडित जी, ये बताइए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तो वो भी बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इससे पहले लोकतंत्र खतरे में था, हमारे आने के बाद ही लोकतंत्र बच रहा है। तो आप क्या मानेंगे इस बारे में? इस बारे में आपका क्या मानना होगा? हमारा मानना है कि और शाह साहब भी तो ये कहते हैं हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। मैं बता देता हूँ, लोकतंत्र उनका लोकतंत्र में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ, लोकतंत्र जनता से बनता है और जनता जब खुश होती है और जनता माता की जनता की बातें जब सुनी जाती हैं तो लोकतंत्र में जनता राज करती है। जब जनता की बातें नहीं सुनी जाती, जब जनता की अनदेखी की जाती है और वो लोग चाहे हर जगह पर तानाशाही कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो जिन पर उनका नियंत्रण नहीं होना चाहिए केंद्र सरकार का, उसके बावजूद वो उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया को देख लीजिए, आप मीडिया के साथी हैं, आप मीडिया को देख लीजिए, मीडिया वही बात बोलती है जो मोदी और अमित शाह उन्हें बताते हैं। आप आज पूरे देश
जितने सब चैनल है सर, मैक्सिमम मीडिया है, अब दो चार चैनल जो हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष आप जैसे भाई हैं जो निष्पक्ष आवाज उठवा रहे हैं, नहीं तो अगर जहां मोदी के खिलाफ कोई बात होती है उस आवाज को दबा दिया जाता है, काट दिया जाता है। और जिस तरह से लोग आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर हजारों के हजार संख्या में, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज मीडिया पूरे हिंदुस्तान की मीडिया इसे नहीं दिखा रहा होगा, कुछ गिने चुने चैनल जो है इसे दिखा रहे होंगे, आप जैसे भाई इस आवाज को दिखा रहे होंगे। मैं यही बताता हूँ कि इसी कारण से लोकतंत्र जो है खतरे में है, उसको बचाने की मुहिम चल रही है। तो हम ये अपना भाई से कहेंगे, कैमरामैन से, कि जरा एक बार इधर भी कैमरा डाल दें और ये दिखा दें कि ये कितने लोग यहाँ मौजूद हैं और लोकतंत्र को बचाने की जो ये एक आवाज लगाई गई थी, कितने लोग यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुंचे हैं और दरअसल लोकतंत्र के बारे में कितने लोग परिचित हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ लोकतंत्र के बारे में आप कहाँ से आए, आपका क्या नाम है? राजीव महाना। राजीव महाना। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मोतीनगर विधानसभा। अच्छा, वहाँ से MLA कौन है? शिवचंद गोयल जी। अच्छा, आप यहाँ लोकतंत्र बचाने आए हैं जी या MLA के आदेश पर आए? यहाँ हम लोकतंत्र बचाने आए हैं। अच्छा जी, लोकतंत्र को क्या खतरा है? लोकतंत्र को खतरा है जैसे मोदी जी कर रहे हैं रातों रात, तो वो एक बयान दे देते हैं जी नोटबंद, मतलब तानाशाही बयान, नोटबंद मतलब ये लोकतंत्र को खतरा ही है ना, वो जैसे जैसे वो करते हैं बहुत गलत करते हैं। अच्छा जी, तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं जो हमने किया 5 साल में, इससे पहले जो है वो 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। हाँ बिल्कुल, 70 साल में सरकार नहीं कर पाई, जो उन्होंने किया घोटाले, जो उन्होंने घोटाले किए वो 70 साल में कांग्रेस ने भी किए हैं, बट लेकिन बीजेपी ने थोड़ा ज्यादा कर दिए हैं जी। आपका क्या नाम है? देखिए मेरा नाम मोहम्मद अनवर मलिक है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ हाँ, किस जगह से? मैं जो है आनंद विहार से आया हूँ। आपके यहाँ से MLA कौन है? मेरे यहाँ से MLA हैं श्री SK बग्गा जी। अच्छा, ये बताइए लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलता है, जो संविधान कहता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, और ऐसा नहीं होता कि जब आपका मन करता है कि किसी को भी उठाकर ट्रांसफर कर दिया रातों रात, उनको जो है छुट्टी पे भेज दिया जाता है, उसे लोकतंत्र के हिसाब से काम करना होता है। एक हायरार्की होती है, पहले आपको जो है प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो अभी जो है वो देश में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए देश में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, युवा बहुत ज्यादा परेशान है, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और CBI का दुरुपयोग हो रहा है। आपके एजुकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आप कहाँ सर्विस करते हैं? मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में जॉब करता हूँ। दिल्ली सिविल डिफेंस में? दिल्ली संविधान में? दिल्ली सिविल डिफेंस में। आई एम अ सिविल डिफेंस। ओके, यू आर द वॉलंटियर, यू आर वर्किंग विद द सिविल डिफेंस। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आप कहाँ से आए? हम तो मटिया महल से हैं। मटिया महल से आए हैं। आपके यहाँ से MLA कौन है? आसिम अहमद खान। अच्छा, आप यहाँ किसका फेवर करने आए? आसिम अहमद खान? नहीं, हम तो पार्टी का अपना पार्टी के लिए आए हैं। पार्टी के लिए आए? अच्छा, लोकतंत्र के लिए तो नहीं आए ना? लोकतंत्र के लिए आए, अपने क्यों नहीं आए? लोग के लिए नहीं आएंगे, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं तो पार्टी के साथ आए हम। अच्छा हाँ, ये देखना होगा कि कौन लोग और यहाँ पहुँच रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, और जाहिर है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों का यहाँ जमावड़ा है, और लोकतंत्र के नाम पर एक इवेंट सॉर्ट ऑफ मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन अब 12 बजे प्रोग्राम शुरू होना था और 2 बजे प्रोग्राम शुरू हो पाया है। ये इतना डिले क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आता। सत्याग्रह की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बात सच्चाई की हो रही है तो फिर 12 बजे का जो अनाउंसमेंट किया गया था, मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो 12 बजे पहुंचने की थी, अभी यहाँ पर दीदी भी नहीं पहुंच पाई हैं। देखना ये होगा कि यहाँ कितना लोग लोकतंत्र के प्रति जो है वो समर्पित हैं, कितना लोग समर्पित हैं लोकतंत्र के लिए, और कितना लोग जानते हैं, हम यहाँ जानते हैं और ये जानते हैं। आप कहाँ से हैं? किराएदार बिंग, दिल्ली प्रदेश, आम आदमी पार्टी। किराएदार बिंग, क्या नाम है आप? राजपाल गुप्ता। राजपाल गुप्ता जी, राजपाल गुप्ता। तो राजपाल गुप्ता जी, किराएदारी में क्या अड़चन आ रही है? एक्चुअली क्या है, दिल्ली के अंदर आपको बताया बिजली के मीटर है, वो मकान मालिक एक मीटर लगा देता है, किराएदार को सब मीटर लगा के देता है, तो 10-12 रुपए यूनिट चार्ज करता है। तो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे किराएदारों के लिए अलग से मीटर दिया है। अच्छा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आप उनका धन्यवाद करने आए? हाँ, धन्यवाद करने आए, और
मोदी की दमनकारी नीति है उसके खिलाफ हमें आवाज उठा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये लोकतंत्र जो है क्या ये वाकई खतरे में है? लोकतंत्र बाकी खतरे में, जिस प्रकार हितों को दबाया जाएगा और उनके हितों के साथ जाति बढ़ती जाएगी तो वो लोग तो खतरे में ही आएगा। अच्छा, फोटो लेना ठीक है। और जब एक बार दुरुपयोग होगा, आपने अभी देखा होगा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर सीबीआई को मोदी ने भेजा और उसका दुरुपयोग किया सीबीआई का। हाँ। तो मोदी के जो भी मोदी के खिलाफ होता है सीबीआई को भेज देता है और सीबीआई को भेज के उसकी दमनकारी नीति है मोदी की है। तो हम सब उसके खिलाफ आंदोलन करने आए हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अब देखिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप मुझे नेता लग रहे हैं, आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप नेता हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं वोट जो है, वोट का जो डिवीजन होता है वो आप जानते हैं ना। तो वोट का जो डिवीजन होने के चांसेस जब होते हैं तो अलायंस किए जाते हैं। इस वक्त एनडीए भी अलायंस के साथ चल रहा है, यूपीए भी अलायंस के साथ चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अलायंस होना चाहिए? मुझे लगता है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होना चाहिए, जिससे सातों की सातों सीटें मोदी हारे और हमारा मकसद ये है कि मोदी को हराना। तो आप किस तरह से जो है अपनी पार्टी के चेयरमैन के ऊपर दबाव बनाएंगे? नहीं कि वो अलायंस करें? नहीं, हमारी पार्टी ऑलरेडी इस बात के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, बातें चल रही है। हो सकता है अलायंस हो, हमारा मेन मकसद है मोदी को हराना। इसके लिए किसी भी एंगल तक जाया जाए उस तक हम जाएंगे। मोदी को हराने का काम है हमारा, मोदी को हराएंगे। आप कहाँ से? मैं दिल्ली सुल्तानपुरी से आई हूँ। सुल्तानपुरी से? जी, मैं रजनी शर्मा। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। अच्छा, लोकतंत्र बचाने या अरविंद केजरीवाल जी को बचाने? केजरीवाल जी को बचाने। लोकतंत्र को भी बचाने आए हैं? केजरीवाल जी तो बचे हुए हैं, केजरीवाल जी को कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र बचाना है, मोदी को हटाना है। लोकतंत्र बचाना है, मोदी को हटाना है। अच्छा, हाँ जी। लोकतंत्र है क्या ये बताइए? लोकतंत्र जो चीज आप बचाने आ रहे हैं, लोकतंत्र है जिस जो आजकल दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, जो हमारे राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनको दबाया जा रहा है, हमें अपनी आवाज को कहने से रोका जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है नाजमा शेरवानी, मैं VCI हूं और हरिनगर विधानसभा की। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि आपके जो हक हैं, हुकूक हैं, अधिकार हैं, कुछ कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है, आप उनको बचाने के लिए आए? जी बिल्कुल। अब लोकसभा चुनाव है और आइंदा जो है वो चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में क्या हमें लगता, आपको नहीं लगता कि आपको अलायंस करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, सारी विपक्षी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए मोदी जी को हटाने के लिए। यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो अपना सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं जी सर, और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ करना ही पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। अगर मोदी को हटाना है तो करना पड़ेगा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब जब बेमान यही सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब बेमान पार्टी हो वो अलायंस करते हैं 48 जब वो 48 पार्टियों से अलायंस करते हैं, जब वो कश्मीर में गठबंधन करते हैं, जब वो गठबंधन से ही सरकार बनाते हैं हर जगह, मेरे पास सबूत है, तब उनको बुरा नहीं लगता है। हम अगर अलायंस करते हैं तो उनको बुरा लगता है, हर जगह वो अलायंस करते हैं। देश देश वो सरकार देश जो है चलाता है 41 पार्टी मोदी जी के साथ, 48 पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं, तब वो कमीशन करते हैं। आप जो है वो अरविंद केजरीवाल जी पर किस तरह का प्रेशर डेवलप करेंगे कि वो अलायंस कर लें कांग्रेस पार्टी से? आपके पास पावर है सबसे पहले सर, हम तो जनता की आवाज है, जनता की आवाज है सर, हम तो नहीं। आप अपने पार्टी के नेता के ऊपर किस तरह का प्रेशर, पॉलिटिकल, सोशल? नहीं नहीं, हम तो जनता की आवाज है, हमें कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, हम तो जनता की आवाज है। ओके, हमारे अच्छा, तो आप जनता की आवाज है? जी बिल्कुल, हम जनता है, जनता की आवाज है, हमको प्रेशर प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत ही नहीं है हमें सर, हमको जनता है और जनता की आवाज है, हम आम आदमी। ये प्रेशर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेशर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, हम खुद जनता हैं और जनता की आवाज है, हम खुद प्रेशर डालेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? स्नेहलता चौहान। अच्छा, आप किस क्षेत्र से हैं? जनकपुरी। आप विधानसभा के मेंबर हैं? हाँ जी। आप MLA हैं राइट? मैं आम आदमी चाहूंगा। आप आम आदमी हैं, ये एक हमारे साथ MLA हैं विधानसभा की, और हम ये पूछना चाहेंगे अभी जो है वो लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और अलायंस की देश को जरूरत है, जैसा कि आप लोगों का मानना है, इसी के लिए जो है वो रैलियां हो रही हैं जगह जगह, आज भी शायद कहीं ना कहीं अलायंस का एक सवाल उठाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ दिल्ली में अलायंस करेगी? हमारी पार्टी खुद करेगी, कांग्रेस के अलायंस साथ अलायंस नहीं करेगी। किसके साथ अलायंस करेंगे? हम खुद करेंगे, आम आदमी पार्टी खुद आगे आएगी। नहीं, आम आदमी पार्टी अलग आएगी, कांग्रेस अलग आएगी, तो फिर तो बीजेपी तो अपने 7 सीटें फिर निकाल के ले जाएगी, उनका अपना मानना है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसे कैसे आ जाएगी? आप आदमी लेके जाएगी, सातों की सातों सीटें लेके जाएगी, आम आदमी सातों ले जाएगी। तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि आम सातों सीटें कांग्रेस ले जाएगी। कांग्रेस के कहने की क्या बात होती है, काम किसने किया? दिल्ली के लोग बताएंगे जी, आज भी इतिहास में किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, गरीब तबके के लिए किसी ने नहीं सोचा है। जब से केजरीवाल सरकार आई है ना, जब से गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रावधान मिल रहा है, स्वास्थ्य में आज जो टेस्ट पास से 7,000 रुपए के हॉस्पिटलों में होते थे फ्री हो रहे हैं केजरीवाल सरकार के होते हुए, जो पानी के लिए भी देश में रहने के लिए हमें पैसा देना पड़ता था वो पानी भी फ्री मिल रहा है केजरीवाल सरकार की। और आज आप पेंशन पे आ जाओ, दिल्ली कैसा स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन मिलती है 2,500 रुपए। ठीक है, तो इनका मानना यह है, इनका मानना यह है कि यहाँ विकास के काम हुए हैं तो इसलिए जनता जो है वो आम आदमी के साथ रहेगी और आम आदमी को जो है वो जिताने का काम करेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ ये जितना भी टर्नआउट है पब्लिक का, ये वोट में कैसे तब्दील होता है, क्या वास्तव में ये वोटर है या फिर लोग यहाँ तमाशाई हैं। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए।